वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो सभी? तो देखिए, इंग्लिश में आज अपनी दूसरी क्लास है, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो इंग्लिश से हैं वो कह रहे थे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन हैं वो कन्वर्ट किए गए हैं, तो आप इनकी पीडीएफ तो वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, जो क्वेश्चन हिंदी में थे उनको कन्वर्ट किया गया है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी ज़रूर देखें, क्योंकि अलग क्वेश्चन है, अलग फ्रेमिंग की गई है इनकी, कुछ क्वेश्चन नए बनाए गए हैं, ठीक है। तो आइए, 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और फिर से आज जो अपना क्लास है वो किस पर बेस्ड है? फॉलोइंग डायरेक्शन रो कॉलम या टेबल टेस्ट पर आधारित है। आपको यहाँ पर 5 रो और 5 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, उनके बेस जैसे जैसे क्वेश्चन में डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चनों को सोल्व करें। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए जिनको समझ आ रहा है। अगर लास्ट क्लास जिसमें क्वेश्चन इंग्लिश में थे अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बाकी क्लासों के भी लिंक और प्लेलिस्टें बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। और देखिए, जहां तक टेस्ट की बात है तो टेस्ट इंग्लिश में बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा उनमें, क्योंकि क्वेश्चनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी और कुछ नए क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। तो टेस्ट तो टाइम लगेगा, तब तक आप हिंदी में टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए और जो हिंदी से हैं वो लगातार जारी रखें। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। क्या बोला गया है? विच अल्फाबेट इज बिलो द कॉलम फोर एंड इन फ्रंट ऑफ रो फोर। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जो 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें जरूर 2 से 3, लगभग 3-4 क्वेश्चन है वो सिंपल होंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन है उनमें थोड़ी लेंथ होगी, और जो बाकी 2-3 क्वेश्चन है उनमें थोड़ा अच्छा लॉजिक भी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन की मिक्सिंग होगी और 5 मिनट का टाइम होगा, जो आप सभी को नॉन है, आप सभी को पता है। तो करिए स्टार्ट, 7 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो केयरफुली ऑब्जर्व करें और देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा। यहां पर आपको रो कौन सी बोली गई है और कॉलम कौन सा बोला गया है। कॉलम 4 और रो 4 में आपको ऑब्जर्व करना है कौन सा यहां पर इसका राइट आंसर होगा। तो रो 4 और कॉलम 4 में तो हमें बताना है कि द अल्फाबेट इज बिलो द कॉलम 4, बिलो द कॉलम 4, कॉलम 4 ये रहा, इसके बिलो, इसके नीचे कौन कौन से हैं, ये अल्फाबेट हैं, और इन फ्रंट ऑफ रो 4, तो रो 4 का है ये रही रो 4 और कॉलम 4, कॉलम 4 के नीचे और रो 4 के सामने, तो यहां पर ये कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, इस तरह से डी आ जाएगा। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। और एग्जाम में डी के नीचे 4 लिखा हो सकता है तो उस पर आपको टिक करना है। तो फर्स्ट का राइट आंसर है वो क्या है, डी है। क्वेश्चन सेकंड में क्या इंस्ट्रक्शन, क्या डायरेक्शन दिए गए हैं फॉलो कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। विच अल्फाबेट इज जस्ट बिलो, जस्ट बिलो पूछा गया है, किसके बिलो, नीचे द फिफ्थ अल्फाबेट इन फ्रंट ऑफ रो 3, रो 3 में जो फिफ्थ एलिमेंट है, फिफ्थ अल्फाबेट है, या ऐसा बोला जा सकता है कि जो लास्ट अल्फाबेट है, कहां पर, रो 3 में कौन है, वहां पर देखिए बी है और उसके जस्ट बिलो हमसे पूछा गया है, तो जस्ट नीचे हमसे पूछा गया है, रो 3 ये है और इसके जो बिल्कुल लास्ट में है वो कौन है, बी है, और बी के जस्ट बिलो नीचे की तरफ कौन है, यहां पर सी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उसमें क्या बोला गया है उसको फॉलो करें और क्वेश्चन का आंसर रेडी रखें। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर मूविंग इन R2 को मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है रो 2, R का मतलब रो है और C4 लिखा है या कुछ भी लिखा है, जिस तरह से ये देखिए C5 लिखा है मैंने, तो इसका मतलब है कॉलम, ठीक है, अंडरस्टूड है ये। और फिर एक जगह मैंने अल्फाबेट को यहां पर शॉर्ट लिखा है सब जगह, तो ये आप समझ लें थोड़ा। अब क्या बोला जा रहा है, आफ्टर मूविंग इन रो टू में मूव करने के बाद, रो 2 है उसमें मूव करना है आपको, गो एट द टॉप, फिर आपको टॉप पर जाना है, आफ्टर मूविंग इन रो 2 गो एट द टॉप ऑफ कॉलम 4, कॉलम 4 के टॉप पर जाना है,
तो रो फोर सॉरी टू से स्टार्ट कीजिए आप, और जो कॉलम फोर है ये रहा, इसके टॉप पर चले जाइए। तो यहाँ पर टॉप है इसका, सबसे ऊपर हमें जाना है। तो यहाँ पर आ गए हम कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ कौन है, बी है। अब क्या बोला गया है वो देखिए, आफ्टर दैट मूव टू स्टार्ट ऑफ द रो वन। तो जो रो वन है पंक्ति, पहली पंक्ति है, उसके स्टार्ट में आ जाइए जहां से ये स्टार्ट हुई है। या ऐसा भी बोला जा सकता है कि मूव टू लेफ्ट साइड टॉप, बिल्कुल बाई साइड बोला जा सकता है कि रो वन के बिल्कुल बाई साइड आ जाइए जहां से स्टार्ट हो रही है। तो यहां से हम बिल्कुल रो फर्स्ट की अगर बाई साइड आ जाते हैं, स्टार्ट में आ जाएंगे, तो यहां पर हम आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, देन मूव डाउनवर्ड, फिर आपको डाउनवर्ड आना है, और विच अल्फाबेट इज इन द लास्ट, और कौन सा अल्फाबेट लास्ट में, तो ये पूछा गया है। अब इस जगह से हमें कहां आना है, बिल्कुल लास्ट में आना है। बिल्कुल लास्ट कहां है, यहां पर है, कौन सी, रो फाइव में। तो यहां पर जो एलिमेंट है, अल्फाबेट है, वो कौन सा है, ए है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तीन क्वेश्चन समझ आ गए सभी को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, देखिए जो जो लेक्चर या जो टॉपिक हैं जिनमें इंग्लिश जो लैंग्वेज दी गई है, उनमें मैं आपको अलग से इंग्लिश लैंग्वेज में करवाऊंगा, ठीक है। पर जैसे कि क्यूब है, ब्रिक वाले टॉपिक हैं, या जो पिक्चर पिक्चर वगैरह टेस्ट हैं, ट्रैक टेस्ट हैं, उनमें आपको अलग से इंग्लिश या हिंदी का कोई मैटर नहीं है उनमें, उनमें केवल डायग्राम है, तो वो आप कंबाइंड क्लासेस ही ज्वाइन करें। आगे देखिए, विच अल्फाबेट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ लास्ट अल्फाबेट इन कॉलम टू। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो लास्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। विच अल्फाबेट इज सेकेंड टू द राइट, कौन सा अल्फाबेट हमें बताना है जो क्या है, सेकेंड में है, किसके, टू द राइट साइड, राइट साइड में, किसके, ऑफ द लास्ट अल्फाबेट, किसका लास्ट अल्फाबेट, कॉलम टू का लास्ट अल्फाबेट ऑफ कॉलम टू। तो कॉलम टू कहां है, ये रहा इसका लास्ट अल्फाबेट, कौन है, डी है। तो हम यहां पर है देखिए, अब क्या करना है, इसके किस साइड में, टू द राइट साइड, तो राइट साइड में इधर चलिए आप, और कौन सा अल्फाबेट आपको बताना है, सेकंड बताना है। तो डी का जो सेकंड अल्फाबेट है राइट साइड में, वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड का कंफ्यूजन टेबल में तो है नहीं, क्योंकि ये राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, दाएं या बाएं। अब जो घड़ी का टेस्ट है उसमें लेफ्ट राइट कैसे है, वो मैंने आपको बता दिया था कि आपको जो पोजीशन है वो आउटसाइड ही माननी है। तो इसके अनुसार जो दायां है वो इस ये साइड हो जाएगी, और बाई साइड है वो ये साइड हो जाएगी। जैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट जो है रीजनिंग में वो टॉपिक करते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि जो व्यक्ति बैठे हैं उनके मुंह हैं, जो फेस है वो बाहर की साइड है। तो यही चीज हमें यहां पर घड़ी में क्लॉक टेस्ट में फॉलो करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां पर बी हमारा इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को पढ़ें और क्वेश्चन रेडी रखें, तब तक मैं आपके लिए आगे के क्वेश्चन भी रेडी रखता हूं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें ध्यान से क्या बोला गया है, देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। आपने सीबीटी 2 में देखा था कि जो एक अलग सब्जेक्ट था इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं आई थी। तो आप पहले इनके बेसिक्स देख लें और फिर स्पीड बनाने पर ध्यान दें इनमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए,
विच इज इन फ्रंट ऑफ रो फोर. क्वेश्चन नंबर 9 आफ्टर. तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप फिफ्थ में क्या बोला गया है. विच अल्फाबेट इज जस्ट लेफ्ट पूछा गया है आपसे कि जस्ट लेफ्ट साइड में कौन है किसके टू द लास्ट अल्फाबेट ऑफ सॉरी लास्ट अल्फाबेट इन कॉलम 5 फ्रॉम द बॉटम साइड. तो बॉटम साइड से आपको देखना है कॉलम 5 में जो अल्फाबेट है ठीक है लास्ट साइड में सॉरी बॉटम साइड से आपको देखना है और फिर लास्ट साइड में जाना है. तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन है यहां पर. तब तक मैं आपके लिए आगे के क्वेश्चन को लिख देता हूं. ठीक है तो ये आपके लिए 8 और 9 नंबर क्वेश्चन है. पांचवें का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा यहां पर देखिए आइए देखते हैं. बोला गया विच अल्फाबेट इज जस्ट लेफ्ट टू द लास्ट अल्फाबेट इन द कॉलम 5 फ्रॉम द बॉटम साइड. अगर बॉटम साइड से कॉलम 5 में अगर हमने हमें देखना है स्टार्ट करना है तो बॉटम साइड से ये तो फर्स्ट हो जाएगा तो लास्ट कौन है ई है यहां पर. तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि हमें बॉटम साइड से स्टार्ट करना है और जो लास्ट एलिमेंट है कहां पर कॉलम 5 में ठीक है. या फिर क्या बोला जा सकता है कॉलम 5 को आप रिवर्स कर दीजिए और फर्स्ट जो एलिमेंट है इस तरह भी बोला जा सकता है ठीक है. उसके बाद देखिए विच अल्फाबेट इज ये चीज हो गई. तो हम पहुंच गए कहां पर फ्रॉम द बॉटम साइड से हम लास्ट अल्फाबेट पर पहुंच गए. फिर क्या देखना है लेफ्ट साइड में जस्ट लेफ्ट साइड में हमें देखना है. तो इस ई के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन आ जाएगा बी आ जाएगा. तो फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो बी है. तो फिफ्थ का राइट आंसर बी. सिक्स देखिए क्या बोला गया है विच अल्फाबेट इज द सेकेंड टू द राइट साइड ऑफ द अल्फाबेट विच इज एट डायगोनल ऑफ रो 5 एंड कॉलम 5 एट द मिडल. ये चीज हमें पूछी गई है. तो हमें अल्फाबेट कौन सा बताना है जो क्या है दूसरा है किस साइड में राइट साइड में किसके ये देखिए ऑफ द अल्फाबेट जो अल्फाबेट हमें बताना है वो दाईं ओर दूसरा है किस अल्फाबेट के जो कि कहां पर है इज एट द डायगनल डायगनल ऑफ रो 5 एंड कॉलम 5. रो 5 और कॉलम 5 का डायगनल कौन सा हो जाएगा देखिए रो 5 है ये है और कॉलम 5 ये है. तो इस कॉलम 5 और इस रो 5 का जो डायगनल है वो कौन सा हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा. ध्यान से देखिए किस तरह लैंग्वेज को बोला गया. तो ये हो जाएगा डायगनल और कौन सा मिडल में है तो मिडल में कौन सा है यहां पर सी है. अब देखिए ये जो सी है इसके राइट साइड में हमें बताना है दूसरा एलिमेंट हमें बताना है. तो इस सी के राइट साइड में दूसरा कौन हो जाएगा 1 और 2. तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा बी इसका राइट आंसर है. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो 6 नंबर क्वेश्चन है. ध्यान से पढ़िए इसको किस तरह से लैंग्वेज दी गई है. अल्फाबेट आपको बताना है राइट साइड में सेकेंड बताना है और किस अल्फाबेट के वो आपको बताया गया है जो डायगोनल के बीच में है मिडल में है उसके दाईं ओर दूसरा ठीक है. तो अच्छा क्वेश्चन है अच्छी वैरायटी अच्छी प्रकार का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट देखिए मूव इन रो फर्स्ट. रो फर्स्ट में आपको मूव करना है
अप टू सी फोर, मतलब कॉलम फोर तक आपको चलना है, उसके बाद देखिए देन मूव डाउनवर्ड, फिर आपको डाउनवर्ड आना है, कहाँ तक, अप टू रो फाइव, विच अल्फाबेट अपीयर्स मोर टाइम्स, कौन सा अल्फाबेट ज्यादा बार उसमें आ रहा है। जब आप रो फर्स्ट से स्टार्ट कर यहाँ तक फोर्थ तक आ रहे हो और फिर रो फाइव मतलब बिल्कुल लास्ट तक आ रहे हो आप, फिफ्थ रो तक आ रहे हो इस तरह, तो यहां पर कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जो बहुत ज्यादा बार आ रहा है। तो ये देखिए यहां से रो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, रो फोर्थ तक आ गए, सॉरी कॉलम फोर्थ तक, तो हमें मिले ए ई बी, बी मिल गए, उसके बाद क्या बोला गया है इसको मैं साफ कर देता हूं पहले। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको रो फाइव तक डाउनवर्ड आना है, यहां पर रो फाइव तक क्या आना है डाउनवर्ड, तो रो फाइव तक आप डाउनवर्ड आ जाइए। किस तरह से क्वेश्चन को दिया गया है ध्यान से देखिए, अब हमें रो फाइव तक डाउनवर्ड आना है यहां तक, और अब देख लीजिए कौन ज्यादा बार आ रहा है यहां पर, तो क्लियरली पता चल रहा है जो बी है वो तीन बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का, बी हो जाएगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाए कि सबसे कम कौन आ रहा है, या ऐसा पूछा जाता है अपीयर्स वंस, अपीयर्स वंस, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो वो आप देखिए ध्यान से देखिए, ए दो बार आ रहा है और डी भी दो बार है, बी तीन बार है, और उसके बाद जो ई है वो सिर्फ सिंगल टाइम आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता यहां पर, ई हो जाता। अब आप क्वेश्चन नंबर एट को पढ़िए और उसका आंसर करिए, आपको टाइम दिया जा रहा है, एक तरह से आप मानकर चलिए ये भी यहां पर आपका टेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि आपको आंसर करने के लिए टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर एट, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या दिया गया आगे देखिए, इज द लास्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट है इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा लास्ट अल्फाबेट वो लैंग्वेज को पढ़िए ध्यान से। दस नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या बोला गया है ध्यान से पढ़िए और क्या पूछा गया है वो देखिए। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लास्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट है वो इस क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा लास्ट वो देखिए, टू द राइट ऑफ अल्फाबेट, राइट साइड में, लास्ट अल्फाबेट टू द राइट, राइट साइड में किस अल्फाबेट के, विच इज बिलो सी थ्री, बिलो सी थ्री कॉलम थ्री में है और इन फ्रंट ऑफ आर फोर, या ऐसा आ सकता है इन आर फोर भी आ सकता है कि रो फोर में और कॉलम थ्री का जो एलिमेंट है, सॉरी रो फोर और कॉलम थ्री, यहां पर तो यहां पर कौन है ए है। अब इस एलिमेंट की बात करनी है हमें, इस एलिमेंट इस अल्फाबेट की बात करनी है, तो देखिए ये अल्फाबेट हमें मिल गया, इसके राइट साइड में लास्ट हमें बताना है, तो इस अल्फाबेट के राइट साइड में लास्ट कौन है वो देखिए सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सी। ठीक है, दोबारा पढ़ लीजिए, लास्ट अल्फाबेट है आंसर, कौन सा लास्ट राइट साइड में, किसके राइट साइड में, उस अल्फाबेट के जो कहां है कॉलम थ्री और रो फोर में है। समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, आफ्टर रिवर्सिंग द आर फाइव, आर फाइव रो फाइव जो है ये रो फाइव है, इसको रिवर्स कर देना है, उसके बाद विच अल्फाबेट विल बी द थर्ड बिलो टू द सेकेंड अल्फाबेट ऑफ रो टू फ्रॉम राइट साइड। सबसे पहले देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट कीजिए, रो टू
फ्रॉम राइट साइड और सेकंड अल्फाबेट, रो टू का राइट साइड से सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि जब भी आपको रो या कॉलम में बोला जाए तो आपको पहले से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। जब दाएं बाएं बोला जाए तो अगला अल्फाबेट है उसको काउंट करना है, ठीक है। तो सेकंड अल्फाबेट पर आ गए हम, उसके बाद क्या बोला गया है, सेकंड है हमारे पास डी, उसके बाद थर्ड बिलो, तो इसके नीचे थर्ड, ठीक है। आफ्टर रिवर्सिंग द रो फाइव, इसको रो फाइव को रिवर्स भी करना है, तो सबसे पहले इसके बिलो थर्ड कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बी है, मतलब इस जगह जो अल्फाबेट होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। पर क्वेश्चन में देखिए कुछ चीजें और दी गई है, कौन सी, रिवर्सिंग द रो फाइव। अब रिवर्स भी करना है रो फाइव को, सबसे पहले रिवर्स वगैरह को आप छोड़ दीजिए और पहले ये फाइनल कर लीजिए कि पोजीशन कौन सी है। जैसे कि हमें ये पोजीशन पता चल गई कि यहां पर जो एलिमेंट होगा, जो अल्फाबेट होगा, वो हमारा राइट आंसर है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिवर्सिंग द आर फाइव, तो रिवर्स कर दीजिए आर फाइव को। जब रिवर्स करोगे तो बी की जगह अब कौन आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा। अगर डी आ जाएगा तो हमारा राइट आंसर भी डी हो जाएगा यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर है नाइन्थ का वो डी है। क्वेश्चन नंबर 10 को फॉलो कीजिए, इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। आफ्टर रिवर्सिंग कॉलम थ्री, कॉलम थ्री को रिवर्स करना है आपको, विच अल्फाबेट इज सेकंड फ्रॉम बॉटम इन कॉलम थ्री। कॉलम थ्री को रिवर्स करना है और उसके बाद आपको बॉटम नीचे से आपको बताना है कौन सा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट आपको बताना है। पहले तो मैंने आपको बताया कि पोजीशन को फाइनलाइज कर दीजिए आप, बॉटम साइड से सेकंड एलिमेंट आपको बताना है। तो बॉटम साइड से कौन सा है, कॉलम थर्ड है, तो कॉलम थर्ड में बॉटम साइड से सेकंड एलिमेंट, मतलब इस जगह जो भी आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिवर्सिंग द कॉलम थ्री। अब कॉलम थ्री को आप रिवर्स कर देंगे तो एक ही जगह यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी हमारा क्या है, डी इसका राइट आंसर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आज की अपनी क्लास थी, 10 क्वेश्चन थे। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो आपको करना है सॉल्व और कमेंट बॉक्स में लिख देना है आपको, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं फ्रेम करके दे रहा हूं आपको, विच अल्फाबेट इज एट द सेकेंड पोजिशन एट द डायगोनल, एट द डायगोनल ऑफ, एट द डायगोनल ऑफ रो फर्स्ट, रो फर्स्ट एंड कौन सा, रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट, रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट का जो डायगोनल है उस पर आपको बताना है इन एट द डायगोनल ऑफ आर वन विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मिडल अल्फाबेट, मिडल अल्फाबेट, और आपको कौन सी साइड में बताना है वो लिख लीजिए आप। तो विच अल्फाबेट इज एट द सेकंड पोजीशन इन राइट साइड, लिख लीजिए इन राइट साइड एट द डायगोनल ऑफ आर वन एंड सी वन विद रिस्पेक्ट टू मिडल अल्फाबेट ऑफ डायगोनल। तो ये क्वेश्चन आपको
सोल्व करना है और कमेंट करना है। तो इस तरह से आज की क्लास थी, कैसी लगी जरूर बताएं, और जो आपके तीन काम है लाइक शेयर कमेंट वो जरूर करते रहिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है टेस्ट भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।